इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां दोपहर को आए भूकंप के कुछ घंटों बाद ही वजीर हसन रोड पर बनी एक 5 मंजिली बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। इमारत में 14 से 15 परिवार रहते थे। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिनमें अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। वही खबर है कि इस हादसे में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां का निधन हो गया है। उधर रेस्क्यू टीम हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है। मलबे में फंसे लोगों से लगातार बात की जा रही है, उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। साथ ही इस दर्दनाक हादसे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। मामले में सपा विधायक शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में बिल्डिंग बनवाने वाले यजदान बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि लखनऊ आयुक्त ने अधिकारियों से रैदान बिल्डर्स और उनके मालिकों के ऊपर FIR के आदेश दिए हैं, जिसके अलावा यजदान बिल्डर्स की लखनऊ में बनी हुई बिल्डिंगों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद अवैध निर्माणों पर तत्काल एक्शन होगा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आए भूकंप के कुछ घंटों बाद ही ये बिल्डिंग भरभराकर गिर गई, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची। NDRF, SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सेना की एक टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हादसे को लेकर सख्त तेवर अख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि इस मामले में कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। उधर DGP UP DS चौहान से जब बिल्डिंग गिरने की वजह के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट की जांच के बाद ही सही वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल उनका फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे है और लोगों की जान बचाने पे है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।